हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरियो फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम ज़रूर अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं शेखपुरा बिहार जिले की ऑफिशियल साइट है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो फ्रेंड चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सूचनाएँ बनी हुई हैं। रिक्वायरमेंट सेक्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टाइटल स्टार्ट इन डेट फाइल टाइटल नोटिस सेविका सहायिका रिक्वायरमेंट CDPO शेखपुरा 25 जुलाई 2019, स्टार्ट डेट 25 जुलाई 2019, इन डेट 29 जुलाई 2019, 480 KV का है। तो फ्रेंड्स, हर जिलों में सेविका सहायिका और लेडीज सुपरवाइजर की जो बहाली निकली है उसके लिए यहाँ पर भी निकाल दिया गया है नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कैंसिलेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 25 जुलाई से 31 जुलाई 2019। फ्रेंड्स, पूर्व में जो निकला हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कैंसिल कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है फ्रेंड, और नया से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जो कि 14 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक कर सकते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, लेडीज सुपरवाइज या रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस निकाला गया है 24 जुलाई से 5 अगस्त तक। इसी तरह सेविका सहायिका का, लेडीज सुपरवाइजर का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पूर्व में जो निकला हुआ था उसके लिए नोटिस है सेविका सहायिका के लिए, देख सकते हैं। CDPO 22 जुलाई का अपडेट है ये। नोटिस सेविका सहायिका देख सकते हैं जहाँ जाकर निकला है, ठीक है फ्रेंड्स। पोषण अभियान का रिक्वायरमेंट निकला हुआ था देख सकते हैं 17 जुलाई से 31 दिसंबर 2019। ये देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्वायरमेंट नोटिस निकला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, 16 जुलाई 2019। लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है 14 अगस्त तक 2019, लास्ट डेट है, 5 MB का है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, गोपालगंज का जो निकला हुआ था 25 जुलाई से अप्रॉक्स 31 अगस्त तक, उस वह पोस्टपोन किया गया है डिले, अब वह 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फिलअप किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन आया था शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का, वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। सेविका सहायिका का ये मेरिट लिस्ट निकला हुआ था अरियारी का। फ्रेंड्स, जहाँ बहाली हो रही है सेविका सहायिका की, वो नोटिफिकेशन है ये।
जो भी आंगनबाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पंचायत में सारा का सिलेक्शन किया जा रहा है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अन्य सारी सूचना ये देख सकते हैं 2018। इकतीस मई 2019 फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिस शेखपुरा। ये आपका बिहार पंचायती राज से टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो निकला हुआ था, जिसके हर जिले में बहाली चल रही है फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जा रही है, कहीं ज्वाइनिंग हो रहा है, कहीं जो त्रुटियां उसको सुधार के जा रहा है, वहीं है। नोटिस निकला हुआ था शॉर्ट लिस्टेड नॉट शॉर्ट लिस्टेड का उस समय है। ये सारे देख सकते हैं 2018 से रिलेटेड हैं, पूर्वरत हैं। ये उस समय का है जब ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट निकला हुआ था टेक्निकल असिस्टेंट का, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का 2018 में जो रिक्वायरमेंट आए थे, ये ड्राफ्ट लिस्ट है उस समय का। ये सारे जितने भी हैं 18-19 का ये अपडेट है। करंट में जो आपका अपडेट है फ्रेंड्स जून जुलाई तक, वह आपका देख सकते हैं 25 जुलाई तक अपडेट यही है, 29 जुलाई 2019 तक सेविका सहायिका के लिए नोटिस एक निकला हुआ है, कैंसिलेशन नोटिस निकला हुआ था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। लेडीज सुपरवाइजर का है ये, उसके बाद जगह जगह सेविका सहायिका का नोटिस निकाला जा रहा है। लेडीज सुपरवाइजर का यह है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो कैंसिल हुआ है उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्लिक करके दिखाते हैं आपको कैसे फिलअप कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद BPSM के ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आ गए। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है, अप्लाई किया है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं इसके थ्रू। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई किए हैं, यूजर आईडी पासवर्ड आपको जनरेट किया होगा, उसको फिलअप करके यहाँ पे जो कोड दिया गया है यहाँ पे कर सकते हैं, या अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं इफ़ पास फॉरगेट पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ से भी नया रजिस्टर कर सकते हैं अगर नए कैंडिडेट है तो। अगर पूर्व में आप अप्लाई किए हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखिए ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए हैं। अररिया है, अरवल है, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, मोतिहारी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये
शेखपुरा में अगर किया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह ये अन्य डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक किया हमने तो ये आ गया शेखपुरा, देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और ये कोड, और लॉगिन करेंगे तो आपका जो पूर्व में जो अप्लाई किए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जो अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या अगर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं ऐसे पेज ओपन होगा आपका। यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको निकला हुआ है तो वहाँ अप्लाई करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप शेखपुरा का पढ़ रहे हैं तो शेखपुरा पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए शेखपुरा क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेखपुरा आ गया। उसके बाद आप नेम अपना लिखेंगे कैपिटल लेटर में इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फादर्स नेम लिखेंगे या हस्बैंड हैं तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैप्चा दिया है, देखिए इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, डेट है। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जेंडर जो आपका होगा, कैटेगरी जो होगा सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में मेल फीमेल अदर्स जो भी हैं आप क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैटेगरी में आपका जो भी है जनरल एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस सारे दिए गए हैं तो आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, सपोज है जनरल है तो जनरल पे से क्लिक करेंगे तो जनरल आ गया। ईमेल अपना अवश्य देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड बना लेंगे हैवी पासवर्ड, और ये कोड जो है यहाँ पे इंटर करके रजिस्टर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट आपका फर्स्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद बेसिक डिटेल्स जो है आप अपना देंगे, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एड्रेस वगैरह जो भी है सारा उसमें डिटेल्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे बिफोर आफ्टर सबमिट, बिफोर सबमिट। ठीक है, सबमिट करने से पहले और जैसे ही फाइनल सबमिट किया जाएगा
तो एक एप्लीकेशन नंबर आपका जेनरेट होगा, उसको पेज को प्रिंट आउट कर लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है फ्रेंड, भविष्य के लिए। और जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है आप उससे आप इन फ्यूचर खोल सकते हैं, जो भी सारी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कर सकते हैं। कोई भी क्यूरियो फ्रेंड्स रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएं, जैसे कि सल्व किया जा सके आपके क्यूरी को। तो फ्रेंड्स इतने सारे अपडेट बने हुए हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में, अन्य ज़िलों की फ्रेंड जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम ज़रूर अपडेट करेंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ, जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरियस फ्रेंड्स हमें ज़रूर बताएं, आपके सुझाव साधारण मंत्रित हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जो भी आपके मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स आपके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, जैसे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट ऑफ फिजिबिलिटी प्रोवाइड करा सके, यही हमारी कोशिश होती है, कोई भी रॉन्गली नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू फ्रेंड्स, हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट का, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इतने सारे अपडेट बने हुए हैं, पर अभी कोई क्यूरी हो तो हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि सॉल्व किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।